हेलो गाइस, अभी रात के लगभग 3 बज गया है। मैं आप लोग को दिखा दूँ टाइम, क्योंकि टाइम दिखाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, 2:56 लगभग 3 बज गया है और मैं अभी क्वेश्चन नंबर 18 तक ही बना पाया हूँ। मैं लगभग 10 बजे से ये इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन वाला चैप्टर को बना रहा हूँ। इतना सारा बनाया, क्वेश्चन नंबर 18 तक हुआ है। लगभग लगभग हम 10 बजे से पढ़ने बैठे हैं और इस चैप्टर को आज कंप्लीट करना है। तो मैंने 10 बजे से पढ़ने बैठा है, 10 PM को, और इस चैप्टर को सॉल्व करते करते अभी लगभग 3 बजने जा रहा है, यानी 2:56 3 बज ही गया। और अभी मुझे नींद आ रहा है, सोच रहा हूँ कि सो लेता हूँ, फिर कल देखा जाएगा। तो ये चैप्टर जो है काफ़ी लंबा चैप्टर है, लगभग 22 से 23 क्वेश्चन है इस पर। ये बुक जो है PW का, आप देख सकते हो, PW नितिन सर का दिया हुआ ये बुक है, नितिन गोयल सर का। तो मैंने इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक मैंने सॉल्व किया और लगभग 3 बज गया। तो मैं सोच रहा है कि नहीं, आज छोड़ देते हैं, अब 3 बज गया, अब सोते हैं, क्योंकि नींद भी काफ़ी आ रही है। तो कल अब बाकी सब देखने क्या होता है। नहीं, चैप्टर कंप्लीट करना था, 2 या 3 क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, वो क्वेश्चन कल कर लेंगे। बाकी टारगेट अभी यही है कि पर डे एक चैप्टर को कम्प्लीट करना है, क्योंकि रिविज़न फेज चल रहा है तो एग्ज़ाम भी बहुत करीब है। उस हिसाब से मैंने पर डे नाइट को एक मैथ का एक चैप्टर को सॉल्व करने के बारे में सोचे हैं। मैं क्या, आप लोग कितने बजे तक पढ़ते हो कमेंट सेक्शन में बताना। ये कोई शौक के लिए नहीं है, बस ऐसे ही मैं सोचा कि कैमरा ऑन करके वीडियो बना देता हूँ और आप लोग को बता देता हूँ कि CS पैरेंट को कितना मेहनत करना पड़ता है, फिर भी रिजल्ट नहीं हो पाता है। बट मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ, तो चाहे आप फाउंडेशन का स्टूडेंट हो या इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हो, कहना ये है कि भाई अपना आप एफर्ट डालो। रिजल्ट होना नहीं होना बात की बात है, होगा नहीं होगा क्या होगा पता नहीं, लेकिन अपना एफर्ट डालते हैं। रात रात भर जग के पढ़ाई करना है, दिन भर भी पढ़ाई करना है। तो ये मेरा रूम है, बाकी फ़िलहाल तो ज़्यादा कोई दिखाएंगे नहीं। इसे आप जो मैप देख रहे हो, ये मैप सब बहुत सारा कमेंट आया कि CS पैरेंट का रूम में ये मैप क्या कर रहा है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा कहानी है, तो हम कुछ दिन अच्छा से बताएंगे। फ़िलहाल तो रात रात काफ़ी हो गया, तो मैं चला रहा हूँ सोने। मैंने एक छोटा सा सेटअप बनाया है, यहाँ पे अपना बल्ब भी लगाया है, क्योंकि जो ऑलरेडी एक बल्ब लगा हुआ है वहाँ से ठीक से लाइट नहीं आ रही थी, तो मैंने एक्स्ट्रा बल्ब लगाया ताकि अच्छा से लाइट आए, कोई दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे कोई नया बल्ब के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।